सर्व यादव समाज गढ़ा कोटा जिला सागर द्वारा आज तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कथावाचक मुरारी बापू के ऊपर FIR दर्ज करने और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड देने की मांग की गई। ज्ञातव्य हो कि हाल में मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके पुत्रों अशोभनीय टिप्पणी मुरारी बापू द्वारा की गई, जिसको सुनकर संपूर्ण भारत का यादव समाज आक्रोशित है। इसके साथ ही संपूर्ण हिंदू समुदाय आक्रोशित है। आक्रोश के कारण संपूर्ण देश में सभी जगह अनेक हिंदू समाजों के द्वारा स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्रियों एवं प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि ऐसे पाखंडी मुरारी बापू जो भगवान कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक दुर्वचन करता है, उस पर FIR करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। भारत के अंदर जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि यादव समाज के द्वारा प्रत्येक तहसील, जिला, प्रदेश और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं मीडिया के माध्यम से समस्त हिंदू भाइयों से और भारत देश में जितने भी भारतवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण एक सारे दर्शनों का सामंजस्य करने वाले देवता हैं, तो सभी धर्म के लोग ऐसे पाखंडी संतों का विरोध करें और प्रबल विरोध करें, ताकि ऐसे संतों को ये समझ में आए कि भगवान कृष्ण के विरोध में इस तरीके से अशोभनीय और अमर्यादित बात करना कितना भारी पड़ सकता है। अगर आपकी मांगे विरोध किया जाना चाहिए, अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो क्या करेंगे आप? अभी ये लोकतांत्रिक तरीके से यादव समाज, साथ ही हिंदू भाइयों के जितने भी संगठन हैं, सभी इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अगर सरकार ने इस पर उचित कार्रवाई नहीं की, इस पाखंडी मुरारी बापू, ये मुरारी बापू नहीं, ये एक दुराचारी डाकू है, अगर इसको उचित संविधान के दायरे में सजा ना दी गई तो निश्चित तौर से इस देश में उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश और राष्ट्रीय सरकार की होगी।